नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें यानी टॉप हेडलाइंस। पीएम मोदी ने कर्नाटका की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए मतदाताओं से वोटिंग की अपील की है कि 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। इन चुनावों का लक्ष्य एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी का संकल्प भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है और मोदी का विजन क्लियर है। वहीं कर्नाटका की रैली में पीएम ने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी ने हर उस वर्ग की चिंता की है जिसे कांग्रेस ने बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर किया था। उन्होंने कहा कि राज्य में कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं। तय हब के रूप में पूरे विश्व में हमारे कर्नाटका ने देश का नाम ऊंचा किया। आज कांग्रेस सरकार ने ये टैग हब को टैंकर हब बना दिया। पानी के लिए टैंकर माफिया लोग मनमानी वसूली कर रहे हैं और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस इतने से संतुष्ट नहीं है। ये लोग 2G स्कैम जैसा लाखों करोड़ के घोटालों वाला स्कैम करने के लिए सपने देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, 7 मई को कर्नाटका को लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चून चून करके कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे, पूरे कर्नाटका में कर देंगे, हमारे बागलकोट में भी कर देंगे, पूरे इस क्षेत्र में कर देंगे। सोशल मीडिया पर डीपफेक तकनीक के गलत इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया। पीएम ने कहा, मैंने समाज से जुड़ने के लिए इसका सकारात्मक इस्तेमाल किया है, लेकिन जो लोग चुनाव हार गए हैं ये लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं और AI तकनीक का इस्तेमाल करके मेरी आवाज में वीडियो बना रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि ऐसी चीजें जहां भी दिखे उसे रिपोर्ट करें। पीएम ने कहा, मध्य प्रदेश चुनाव में अमिताभ बच्चन की आवाज में ऐसी बातें चलाई गई कि उन्हें इसकी शिकायत दर्ज करानी पड़ी। क्योंकि मैंने इस ताकत का सदुपयोग किया, समाज से जुड़ने के लिए उपयोग किया, समाज की भावनाओं को समझने के लिए उपयोग किया, सही बात पहुंचाने के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में चुनाव था, अमिताभ बच्चन की आवाज में उन्होंने ऐसी खबरें चलाई, आखिरकार अमिताभ बच्चन को एक FIR करना पड़ा, वो लोग सारे पकड़े गए। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें जागरूक रहने की जरूरत है। ये कोई भी फेक चीज है, उस पर भरोसा मत करना।
रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने के लिए राजनाथ सिंह अपने समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित कई नेता और सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी राजनाथ सिंह के रोड शो में शामिल हुए। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने लखनऊ लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में भी भारी जीत हासिल की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष और श्रीनगर पुलवामा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भहीद उर रहमान पारा ने आज श्रीनगर जिले के कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ रहे। श्रीनगर के बागे मेहताब इलाके में युवाओं को संबोधित करते हुए भहीद उर रहमान पारा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव लोगों का चुनाव है और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने का एक अवसर है। इंशाल्लाह इनके सपोर्ट, इनके साथ से ये वोट पीडीपी के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए है, कश्मीर के लिए है और हमारी फ्यूचर के लिए है, हमारे राइट्स के लिए है। सारे इतिहास, सारी अलायंसेस और सारे पैटर्न्स जो 5 अगस्त के बाद हुए वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ी कैजुअलिटीज की है। वो सारे पैटर्न्स पीडीपी को अंडरमाइन करने के लिए, खासकर महबूबा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप देखिए कहाँ से डिलिमिटेशन की गई, उसके बाद जो आज यूनिटी यहाँ बन रही है ग्रुप्स में, उसमें पार्टियों में, हमारी यूनिटी लोगों के साथ है। हमारा इतिहाद और हमारी अलायंस लोगों के साथ है। हम कोशिश करेंगे कि कश्मीर की आवाम के साथ हम अपना मैनिफेस्टो रखेंगे और अगर लोगों को पसंद आया 2002 की तरह, अगर लोगों को लगा कि हम में वो काबिलियत है कि हम उनकी आवाज़ को, उनके कंसर्न्स को, उनके खदशे को एड्रेस कर सकते हैं और इस ऐवान में, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में महबूबा जी की आवाज़, पीडीपी के लोगों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों से वोट मांग रहे हैं, उनका सपोर्ट मांग रहे हैं और हम समझते हैं कि यहाँ अंडर करंट लोगों में पीडीपी की लहर है। जो महबूबा जी का स्टांस था उसको लोग बड़ी इज्जत करते हैं, जहाँ पे भी हम गाँव में जाते हैं और जफर साहब की ज्वाइनिंग उसकी बिल्कुल एक उसका एक प्रूफ है कि कहीं ना कहीं हर शख्स को कश्मीर में लगता है कि हमारी दर्ज मानी, हमारी कौम की बात आज महबूबा जी करती है। तो हम इस स्टेप पर खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं जो लोग हमसे दूर है, खासकर हमारे कोई वर्कर अगर कोई नाराज है उनको भी हम दावत देते हैं कि वो अपनी पार्टी में वापस आए और अपनी तंजीम को, अपनी मूवमेंट को स्ट्रेंथन करें। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इलाके के नदियां नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के कारण कुपवाड़ा सोपोर राष्ट्रीय राजमार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं कई इलाकों में लैंडस्लाइड और तूफान से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। जिला प्रशासन के अधिकारी सारी स्थिति पर नजर रखे हैं और नुकसान का आंकलन कर रहे हैं। मौसम पूरा दिन खराब ही दिखता है, जितना जल्दी हो सके। बहुत सारे इलाकों में बहुत सारा नुकसान हुआ है, कुछ जगहों पे इमीडिएट जैसे यहाँ पे जुमरियाल में या यहाँ ये जो ब्रिज है कई या क्रेट बांच या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि बस्ती बच जाए। इस वक्त पूरा इलाका जो है, चाहे खुशी है, चाहे हयामा है, चाहे कनीबाक है, यहाँ से मदमादो है, कुमरियाल है, इसी तरह ये बुनन पोशपोरा है, बुहीपोरा है, वदपोरा है, हर जगह पर इस वक्त तबाही है। जितनी जल्दी हो सके इमीडिएट ऐसे वारफुल बेस पे इमीडिएट कुछ ऐसा करना चाहिए, पहले बस्तियों को बचाना चाहिए, इंसानी जानों को बचाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि जगहों पे पहुँचे और इनका इस का जायज़ा लीजिए और जितना जल्दी हो सके इसका कुछ ना कुछ जिसकी वजह से पड़ा है। अभी इसकी डिमेज है, हमने जिस हिसाब से इन्फॉर्म किया हुआ है वो मटीरियल लाने के लिए गया, हम वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं हम इंशाल्लाह रेस्टोरेंस कोशिश कर रहे हैं, जैसे मटीरियल आता है वैसे ही हम इसको रेस्टोरेशन करेंगे, शाम तक इंशाल्लाह कर देंगे। सुबह मटीरियल तो अभी आएगा, शाम तक रेस्टोरेशन कर रहे लोग को हमारे साथ तावन करना चाहिए और हमें कोऑपरेट करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से प्रदेश के नदियां नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश से प्रदेश के कई सड़क मार्गों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला बारामूला में भी तेज बारिश से बाबा रेशी गुलमर्ग सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है। बारामूला के चेरदारी इलाके में हुए लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाबा रेशी गुलमर्ग सड़क मार्ग बंद हो गया है। डीसी बारामूला चेरदारी में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को जल्द सड़क मार्ग को बहाल करने के निर्देश दिए। आपको बताया कि पूरे हमारे जो कश्मीर वैली में और स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में पिछले कई दिनों से हाई एरियाज़ में बर्फ़बारी हो रही है और
जो निचले इलाकों वहाँ पर बारिश हो रही है उसी कारण आप देख रहे हैं कई जगह पर फ्लडिंग भी आ रखी है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लाइड के कारण रोड भी बंद हो गया है, तो इसके लिए हम लोग आज एडवाइजरी भी निकाली हुई है सुबह के जितने भी पहाड़ी इलाकों में, हमने SDMs को भी कह रखा है, ADC सपोर्ट को भी कह रखा है कि जहाँ जहाँ स्कूल्स अगर प्रभावित है तो वहाँ पे एक तो पहली बात स्कूल्स बंद करने का एडवाइजरी ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, सोडा छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत ना हो, कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट ना हो। साथ ही साथ सारे हमारे जितने भी तहसीलदार हैं उन सबको कहा गया है कि एक बार राउंड करके जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत है, लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करना है, साथ ही साथ अगर किसी कहीं पे कोई राशन का इशू तो राशन पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी एग्जेंट साहिबान हैं RNB के हो या PMJSY के हो, उन सबको कहा गया कि इमीडिएटली जहाँ पे रोड पॉसिबल है रेस्टोरेशन करना है वहाँ पे रेस्टोरेशन करें। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में भी, अगर अभी भी हम इसको क्लियर करते हैं तो ऊपर से भी आने का खतरा है, तो इस रोड को भी हम लोगों ने अभी बंद करने का ऑर्डर इशू करने वाले हैं सो दैट। जम्मू कश्मीर में अप्रैल के अंतिम दिनों में मौसम के बदले रुख से प्रदेश के गुरेज, मचेल, राजदान टॉप सहित कई पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। वहीं जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, राजौरी सहित कई इलाकों में बारिश जारी है। प्रदेश में मौसम के करवट बदलने से तापमान में भी गिरावट आई है और पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में गुरेज घाटी में हुए ताजा बर्फबारी से सारा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट श्रीनगर लोकसभा सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर का समर्थन करेगी। एक पत्रकार वार्ता में अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष GA मीर के साथ जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष और गांधरबल के पूर्व विधायक इश्फाक जवार ने इसकी घोषणा की। इस अवसर पर इश्फाक जवार ने कहा कि हम कश्मीर के बदतर हालातों के लिए जिम्मेदार पार्टियों को चुनाव जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी के साथ हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट ने श्रीनगर लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी उम्मीदवार अशरफ मीर का समर्थन करने का फैसला किया है। एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है और एक कैंडिडेट कोई जॉइंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने की जरूरत है। हालांकि आप सबको पता है कि मैं भी खुद भी एक कैंडिडेट था जो मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया था, लेकिन जब हमें लगा कि यहाँ अगर हम सारे वोट को बांटेंगे तो मुमकिन है कि उस सूरत हाल में ऐसा कैंडिडेट आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक्सपेक्टेशंस है आज की डेट में अल्ताफ बुखारी साहब पे या हमारी जमात पे, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाता। क्योंकि इस वजह से हमने आज फैसला किया है कि हमने काफ़ी गौर खोज करने के बाद, अपने साथियों से बात करने के बाद, कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारे कोलीग भी है जनाब अशरफ मीर साहब, और उनको हम अपना भरपूर तावुन देंगे, चाहे वो ज़िला गांधरबल से होगा, श्रीनगर से होगा, बडगाम से होगा, पुलवामा से होगा, शोपियां से होगा, जितना भी हमारा कार्डर है, इंशाल्लाह रहमान एक एक वोट हम कोशिश करेंगे कि जो अशरफ मीर साहब की पार्टी है, जो ये हमारे जॉइंट कैंडिडेट है इंशाल्लाह रहमान, अब इनको हम कामयाब करेंगे। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ पे हमने इनवाइट किया था। और जो गुलाम हसन मीर साहब है, ये मेरे वालिद मोहतरम के बड़े कोलीग रहे हैं, इनका हमें बेहद एहतराम है और इनकी जो सियासी एक नज़रिया है, इनकी बसीरत है, वो भी हमें इंशाल्लाह उससे भी हम फ़ायदा ले लेंगे, ताकि हमारा जो कैंडिडेट है इंशाल्लाह रहमान वो कामयाब हो। और जितने भी ताकतें इस वक्त जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 सालों से हमें रोंदा, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, कुल मिला के मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं जो हमें जॉइंटली दिल्ली में जो भी सरकार आए वज़ीर आज़म साहब के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे जवानों की रिहाई है जो कैदों में अभी है, चाहे वो वेरिफिकेशन को लेके जो मामलात हैं जो CID में उनके चलते हैं, चाहे वो जो रोज़गार के मामले हैं जो इस वक्त हमारे जवान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है, तो हमें दिल्ली को किसी न किसी तरीके से कन्विंस करना है इन चीज़ों के लिए। नवी डोगरी संस्था द्वारा आज निशा कपूर की लिखी पुस्तक आत्मनिर्भर बेटियां का विमोचन किया गया। जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने पद्मश्री जितेंद्र उधमपुरी, डॉक्टर निर्मल बिनोद, नवी डोगरी संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश केला और आत्मनिर्भर बेटियां पुस्तक की लेखिका निशा कपूर के साथ आत्मनिर्भर बेटियां पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर कविंदर गुप्ता ने कहा कि निशा कपूर द्वारा लिखी पुस्तक आत्मनिर्भर बेटियां समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को और बढ़ावा देगी। कि मैं समाज की छात्राओं को, युवतियों को,
जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली है, जो शिक्षा ग्रहण कर ली है, उन सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है, योग्य बनने की ज़रूरत है। माध्यम बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वप्रथम आत्मनिर्भर बनना, आय कमाने की योग्य बनना, ये उनका अपना कर्तव्य अपने प्रति है। बहुत सी ऐसी स्कीम्स विशेषकर महिलाओं के लिए लाई गई। हमारे सनातन में, हमारे समाज में शुरू से ही एक नारी सम्मान रहा है, और नारी सम्मान के कारण से ही आज हम शादी का कार्ड भी लिखते हैं तो श्रीमती एवं श्री आता है। यहाँ पर गौरी शंकर होता है, सीताराम होता है, राधा कृष्ण रहता है। इससे मुझे लगता है कि कुछ कुरीतियों के कारण से हमारे समाज ने दूसरी दिशा पकड़ी, लेकिन निशा जी की इस किताब से तो मुझे लगता है कि नारी सशक्तिकरण की ओर एक और बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि निशा जी इस प्रकार से लिखती रहीं। ये जो दूसरी किताब इनकी रिलीज़ हुई है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जो भी व्यक्ति इस चीज़ को लिखता है, कोई किताब को लेखनीबद्ध करता है, तो उसकी बड़ी मेहनत का होता है, बहुत सी उसे रिसर्च करनी पड़ती है। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, एक तो डोगरी संस्था द्वारा जो इस चीज़ का इनिशिएटिव हर वक्त लिया जाता है, और ख़ास करके साहित्य के इस क्षेत्र में जो बड़े बड़े लोग हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति साहित्य को बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस अंक में बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्र के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।